गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। जोर से नारा लगाएं, सारे साथियों से निवेदन है कि जोर से नारा लगाएं, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में आ चुके हैं। मैं आप सब की तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी का यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, सारे सभी साथियों से गुजारिश है, ये ढोल बंद करवा दे भैया, पीछे पीछे ढोल बंद करवा दीजिए, सारे ढोल बंद करवा दो, सारे बैठ जाइए। एक बार जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। साथियों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कोई नहीं, इससे पहले कि शैलजा जी अपना स्वागत भाषण यहां पर दे, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि साथियों, लाचार लोग कभी इतिहास में लकीर खींच नहीं पाते, कर्मयोग दृढ़ निश्चय शक्ति से शक्ति देती है, और कर्म करने वाला व्यक्ति मैं समझता हूं कि अपने लिए रास्ता बनाता है। जिसने कर्म को सारथी बनाया है, उसका रथ कभी जमीन पर नहीं, वो आगे आगे बढ़ता जाता है। ऐसे कर्मयोगी राहुल गांधी जी का हम यहां पर यमुनानगर जगाधरी की धरती पर स्वागत करते हैं। हरियाणा कांग्रेस कमेटी की तरफ से, आप सब की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। और आदरणीय शैलजा जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना स्वागत भाषण दें। हमारे बहुत ही सम्मानित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा के प्रभारी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद जी, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक तंवर जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सीएलपी लीडर श्रीमती किरण चौधरी जी, यहां मंचासीन हमारे सभी साथीगण, वक्त का अभाव है, मैं माफी चाहूंगी, सभी बहुत सम्माननीय हैं, सीनियर नेता हैं, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, जिंदल जी हैं, हमारे भाई दीपेंद्र जी हैं, हमारे सभी नेता लोग यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप सब की ओर से, समस्त हरियाणा की ओर से, पूरे यमुनानगर जिले की ओर से हमारे बहुत ही सम्माननीय राहुल गांधी जी का पहली बार यहां इस यात्रा में हरियाणा में कदम रखते हुए बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम स्वागत। साथियों,
ज्यादा वक्त नहीं है, मैं थोड़ी सी बात कहूंगी। माननीय राहुल गांधी जी, आप जहां पर हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक जमीन है। प्राचीन काल से आदि बद्री से लेकर महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी उनका आश्रम यहां माना जाता है। बुद्धा स्तूप के भी यहां पर अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग ने यहां पर खुदाई की है। अशोक